Hello all, we are going to learn microbes in sewage treatment. We know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. The municipal wastewater is also called sewage. It contains large amount of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily? This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly. You can understand why. Water bodies like rivers and streams directly. You know the reason, right? Its reason is because the whole water is contaminated with the waste and organic matters, inorganic effluents, which are hazardous for the nature. Treatment of wastewater is done by heterotrophic microbes naturally present in the sewage. This treatment is carried out in two stages. तो जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट है हम उसमें माइक्रोब की हेल्प ले रहे हैं. वो माइक्रोब्स कौन से? मेनली हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज. तो ये जो ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर का वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट. दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. ये जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट का है स्टेप है, इसमें जो फिजिकल रिमूवल होता है किसका? लार्ज और स्मॉल सेडिमेंट्स का. जो अपन सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इनको अलग कर सकते हैं. पहले वो कैसे? दीज आर रिमूव्ड इन द स्टेज. इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. जो फ्लोटिंग डेब्रीज होती है, जो तैरता हुआ कचरा होता है, उसको अपन फिल्ट्रेशन से हटाते हैं. देन द ग्रिट सॉइल एंड स्मॉल पेबल आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन. तो जो ग्रिट होते हैं, पेबल्स होते हैं जो बह बह के आ जाते हैं, फिर वो सेडिमेंट हो जाते हैं नीचे, फिर उनको अपन सेडिमेंटेशन से हटाते हैं. ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेड फॉर्म्स द एफलेंट. तो जो जितना भी सॉलिड हो जाता है वो सेटल हो जाता है इन फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्लज. और जो सुपरनेटेड जो ऊपर रह जाता है वो बनाता है एफलेंट. एफलेंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. अब जब जो वेस्ट था जो नीचे रह जाना चाहिए था वो रह गया था, उसके बाद जो पानी जो ऊपर बचा है उसको अपन सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वाले चेंबर में भेजते हैं, एरिया में भेजते हैं. वहाँ पे प्राइमरी इफ्लुएंट जो होता है उसको अपन एक लार्ज एरेशन टैंक में डालते हैं, जहाँ पे उसको अपन कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते हैं बाय मैकेनिकल मीन्स, जिसकी वजह से एयर उनके अंदर पंप होती है. उससे वहाँ पर विग्रस ग्रोथ होती है एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लोक्स मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर. वहाँ पे फ्लोक्स का फॉर्मेशन होता है. फ्लोक्स क्या है? जब एरोबिक माइक्रोब्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, वो जब फंगल के साथ एसोसिएट करके मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको फ्लोक कहते हैं. तो उधर जो अपना ये जो अंदर जो इफिलेंट है उसके अंदर फ्लॉक्स की फॉर्मेशन होती है. क्यों होती है? क्योंकि इसमें अपन ने एयर का एजिटेशन करा है. फिर अपन देखते हैं कि उसमें सिग्निफिकेंटली रिडक्शन आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का. बेसिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है कि जो ऑर्गेनिक मैटर एक लीटर अगर किसी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब जब उसको डाइजेस्ट करेगा, तो वो जो एक लीटर इफुलेंट को डाइजेस्ट करने के लिए जिस ऑक्सीजन को यूज़ करेगा वो एक अपन ने मेजर बना दिया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जिस जो आपका जो इफुलेंट है, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है, उसकी जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा कंटेमिनेटेड होगा ऑर्गेनिक मैटर से. जैसे जो सीवेज है उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा बहुत होता है. जो एक तरह का ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट है. इसलिए द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल. ठीक है.